इतने दिन तुम तो लगता है वहां जाकर वापस आना ही भूल गई थी। अम्मी फारिस का तो वापस आने का अभी भी कोई मूड नहीं था, वो तो अपना तीसरी बार स्टे एक्सटेंड करने का प्लान बनाकर बैठा हुआ था। फिर तो अंकल आंटी ने कहा कि हम पहुंच रहे हैं हॉलैंड, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। अब्बू बहावलपुर के लिए कब निकलना है, पहले इतनी देर हो गई है, अब अगर मजीद देर की ना मैंने माही मेरे से जिंदगी भर बात नहीं करेगी। अरे ऑफ कोर्स जाना है बहावलपुर, बहावलपुर तो। लो तुमने माही का जिक्र किया और शाजी की कॉल आ गई। जी शाजी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी रिदा आप लोगों का ही जिक्र कर रही थी। हाँ हाँ बोले, क्या हुआ फरहाद को? क्या क्या कह रहे हैं आप शाजी, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? ठीक है मैं बात करता हूं उनसे। क्या हुआ? क्या हुआ? आप फरहाद भाई का नाम ले रहे थे, कहाँ है वो? वो बहावलपुर गया, मैंने शाहजी के पास उनको काम दिलवाया था। क्या फरहाद भाई बहावलपुर है, माही की हवेली में, हुआ क्या है उन्हें? शाहजी कह रहे थे कि फरहाद एक एक्सीडेंट में हलाक हो गए। आज तो हमारी माही खुद एक नारंगी फूल लग रही है, कसम से देखना तो। माइयों पे इतना निखार है तो बारात में तो मजा ही ढाओगी सारे। हमारे तैमूर साहब तो गए काम से, चारों खाने चे। अरे ये फकीरा कहाँ रहेगी, रहने दो मैं देखती हूँ। कहाँ रह गई थी फकीरा और अम्मी जी कहाँ हैं? वो जी बड़ी सरकार और बाकी औरतें बाहर की तरफ गई हैं। बाहर की तरफ? सब खैर है? बहुत बुरी खबर है, बड़े शाह जी ने इत्तला दी है कि मुझे लड़का फरहाद था ना, वो ट्रेन के नीचे आके मर गया है। क्यों मुझे चीख चीख के बोलता है कि तुम ही हो? क्यों मुझे आज भी तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों का साथ देती नजर नहीं आती? क्यों एक बार ही सही लेकिन तुम मेरी आंखों में देख के दोहरा नहीं सकती कि तुम्हारे सीने भी कहीं दूर ही सही है, लेकिन वो तूफान उठ रहा है जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। अगर इस दिल की आवाज इतनी इतनी कमजोर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकती, फिर इसको मर जाना चाहिए।